इंडियन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नंदा देवी राज जात यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये एक रहस्यमय यात्रा है और हर 12 साल में एक बार होती है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के चमोली गढ़वाल जिले से शुरू होने वाली प्रसिद्ध नंदा देवी राज जात यात्रा को पूरी दुनिया में लोग अब जानने लगे हैं। यदि आप चमोली गढ़वाल जिले से जाने वाली प्रसिद्ध नंदा देवी राज जात यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। नंदा देवी राज जात यात्रा उत्तराखंड में होने वाली अपनी तरह की एक अनोखा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये यात्रा लगभग 12 वर्षों के बाद आयोजित होती है। नोटी चमोली गढ़वाल से राज जात प्रारंभ होने के बाद उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों और गाँव से वहाँ के देवी देवताओं के निशानों यानी छतरी और डोलियों के साथ यात्रा निकलती है और अलग अलग स्थानों पर नोटी से आने वाली मुख्य यात्रा में शामिल हो जाती है। प्राचीन समय में गढ़वाल के राजा द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता था। नंदा उत्तराखंड हिमालय वासियों की लोक देवी है। यहाँ नंदा को ब्याही गई बेटी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि ऋषि सौम्य, हेमंत ऋषि और मीणा के घर नंदा का जन्म हुआ था। बचपन में नंदा का विवाह कैलाशवासी शिव के साथ हुआ। शिव जी अपने ध्यान में रहते थे। नंदा को कैलाश में अकेलापन लगता था। वहाँ उसे अपने मायके की याद आती थी। तब नंदा को मायके बुलाया जाता था। एक अंतराल के बाद बड़े प्यार और उल्लास पूर्वक वहाँ के वासी अपनी आराध्य बेटी को ससुराल भेजते थे। नंदा को ससुराल भेजने का आयोजन राज जात कहलाता है। परंपरा के अनुसार भाद्रपद के पहले नवरात्र में चमोली गढ़वाल के कांसुआ गाँव के कुंवर चौसंग्या खाड़ू यानी कि चार सिंह वाला भेड़ तथा रिंगाल की छतोली यानी छतरी लेकर नौटी पहुंचते हैं। चौसंग्या खाड़ू राज जात का प्रमुख आकर्षण होता है। नंदा के लिए उपहार तथा सिंगार चार सिंह वाले मेडू के पेट पर बंधे फांचे में डाल दिया जाता है। माना जाता है कि समुद्र तल से 13,200 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस यात्रा के गंतव्य हेमकुंड के बाद रंग बिरंगे वस्त्रों से लिपटे इस मेंढ को अकेले ही कैलाश के लिए रवाना किया जाता है। यात्रा के दौरान पूरे 16 पड़ाव तक ये खाड़ू तथा मेंढ नंदा देवी की रिंगाल से बनी छतोली के पास ही रहता है। समुद्र तल से 13,200 फीट से लेकर 17,500 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने वाली यह 280 किलोमीटर लंबी पद यात्रा 19 पहाड़ों से होकर गुजरती है और वाण यात्रा का अंतिम पड़ाव है। प्राचीन काल में इसके 22 पड़ाव होने के प्रमाण मिलते हैं। वाण से आगे यात्रा दुर्गम होती है और प्रतिबंधित भी है। नोटी गढ़वाल से पहली यात्रा ईणा बधाणी चमोली गढ़वाल पहुंचती है। रिंगाल के कारीगर छतोली तैयार करने के बाद इसे कांसुआ के कुंवर लोगों को सौंप देते हैं। इस तरह गांव के लोग अपनी अपनी तरह की छतोलियां तैयार करते हैं और उसे सुसज्जित करते हैं। कांसुआ के कुंवर यानी चमोली गढ़वाल नोटी पहुंचकर वहां मन्नत मांगते हैं और इसी दिन राज जात का दिन वार तैयार किया जाता है। रिंगाल की छतोली से मनोती की पोटली बांधी जाती है। छतोली को नोटी और कांसुआ के बीच में पड़ने वाले अघोर बाबा की समाधि में रखा जाता है। भोजपत्र की अस्तर लगी छतोली नंदा देवी के ससुराल पक्ष की मानी जाती है और चमकदार रेशमी वस्त्र ढकी चकोर छतोली मायके पक्ष की इन छतोलियों को नंगे पैर पूरे रीति रिवाज से ले जाना होता है। कैलाश यात्रा पर जाने से पहले नंदा माई ईड़ा बागड़ी गांव गई। ससुराल जाते समय नंदा माई की नजर इस गांव पर पड़ी। उन्हें ये गांव पसंद आया। ईड़ा बागड़ी गांव में चमन सिंह जदोड़ा नामक व्यक्ति ने उनका आदर सत्कार किया। ईड़ा बागड़ी से वापस यात्रा नौटी जाती है तथा वहां रात पर माँ का जागरण होता है। चांदपुर यानी चमोली गढ़वाल में पूरी यात्रा इकट्ठी होती है तथा वहां पर गढ़वाल और कुमाऊं की यात्रा का मिलन होता है। यहां पर लोग भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सामंती परंपरा के समर्थकों का दावा है कि कांसुआ गांव के लोग गढ़वाल नरेश अजय पाल के वंशज हैं। वे मानते हैं कि राजा ने जब चांदपुर गढ़ी से राजधानी बदल दी तो कांसुआ में रहने वाले उसका छोटा भाई वहीं रह गया था, इसलिए उस गांव के लोग अपनी जाति कुंवर लिखते हैं। सेम धारकोट। अगला पड़ाव सेम धारकोट चमोली गढ़वाल की चढ़ाई है। अगला गाँव सिमतोली धार। इस स्थान से नंदा का मायका नोटी नहीं दिखाई देता, इसीलिए माँ वहाँ पर बार बार अपने मायके लौटना चाहती है। दिलखड़ी धार। इसके बाद दिलखड़ी धार आता है। यहाँ पर से नंदा के ससुराल कैलाश पर नजर पड़ती है। यहाँ माँ छुपने का प्रयास करती है, वह अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। अगला पड़ाव नंद केशरी आता है। यहाँ पर करुणा बघाण
और कुमाऊं की यात्रा का मिलन होता है। नंदा देवी राज जात यात्रा कब से कब तक चलती है आपको बता देते हैं। वहाँ के लोगों के परामर्श के बाद यह यात्रा वसंत पंचमी के अवसर पर घोषित कार्यक्रम के बाद 19 दिनों तक चलती है। रामेश्वरम तक नंदा को विदा करने सभी लोग आते हैं। कांसुआ गांव के ठाकुर स्वयं को सदियों तक गढ़वाल पर एक छत्र राज करने वाले पवार वंश के एक राजा अजय पाल के छोटे भाई के वंशज मानते हैं और इसीलिए वे राजा के तौर पर इस हिमालयी धार्मिक पद यात्रा का नेतृत्व करते हैं। टिहरी राजशाही के वंशज भी बसंत पंचमी के दिन हर साल बद्रीनाथ के द्वार खुलने की तिथि पर तय करते हैं। गांव के ऊपर लाटू देवता का मंदिर है। लाटू को नंदा देवी का धर्म भाई माना जाता है। कहा जाता है कि बेदनी बुग्याल में बैठकर ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की। लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में फैला ये बुग्याल यहाँ पर प्रतिवर्ष रूपकुंड का महोत्सव होता है। दोस्तों आपको बता दें कि अगली नंदा राज यात्रा 2023 में शुरू होगी, इसीलिए आप भी इस यात्रा का दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद पाएं। दोस्तों अगर आप वीडियो के बारे में और कुछ जानकारी जानते हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।